फसलों को संतुलित आहार देना हमारी जिम्मेदारी। तालियान ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसानों को दिए आधुनिक खेती की टिप्स। सिंकर IPL चीनी मिल परिसर की ट्रेनिंग प्रोग्राम में किसानों को अच्छी बीज और संतुलित उर्वरक प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाने की टिप्स दिए गए। क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना किसानों को मार्केटिंग मैनेजर ने शाल पहनाकर सम्मानित किया। VOIPL शुगर मिल जरवल रोड में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित कर गन्ना किसानों को अच्छी प्रजाति के बीज का चयन और संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग कर गन्ना उत्पादन बढ़ाने की टिप्स दिए गए। मार्केटिंग मैनेजर धर्मेंद्र तालियान ने क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना किसानों प्रकाश वर्मा, पवन सिंह, दीपक शुक्ला, चंद्रशेखर दुबे और के मिश्रा को शाल पहनाकर सम्मानित किया। किसानों को संबोधित करते हुए गन्ना प्रबंधक CP सिंह ने कहा कि गन्ने की बुवाई करते समय अच्छी प्रजाति के बीज का चयन करें, खेत की मिट्टी का भूमि शोधन और गन्ने के बीज का शोधन करके गन्ने की बुवाई करें, जिससे गन्ने की फसलों में जमीन और बीज के द्वारा लगने वाले रोगों से बचाव कर 80% तक गन्ने का जमाव लिया जा सकता है। किसानों को गन्ने में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया गया। किसानों को संबोधित करते हुए मार्केटिंग मैनेजर धर्मेंद्र तालियान ने कहा कि फसलों को संतुलित उर्वरक देना हमारी जिम्मेदारी है। संतुलित उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि किसानों का लाभ ही कंपनी का लाभ है। किसानों को कृषि यंत्रों पर छूट और कृषि यंत्रों को किराए पर देने की योजना IPL बना रही है। किसानों से पूरी मात्रा और पूरी गुणवत्ता की IPL खाद प्रयोग करने की सलाह दी। श्री तालियान ने पॉलीहैलाइड और IPL के पशु आहार के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सेल्स ऑफिसर विजेंद्र त्रिपाठी, लेखाधिकारी अजीत सिंह, गौरव भारद्वाज, चीफ केमिस्ट अरविंद देशवाल समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जो गोष्ठी चल रही है IPL शुगर फैक्ट्री में, इसमें हमारे जो धर्मेंद्र तालियान साहब हैं, जो आज हमारे पूरे टीम के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनकी अध्यक्षता करें, अध्यक्ष महोदय का मैं सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करते हुए सभी किसान भाइयों का स्वागत अभिनंदन करते हुए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो किसान खेती कर रहा है वो खेती तकनीक विधि से करना शुरू करें। एक्चुअली में होता यह है कि लोग खेती तरीके से नहीं कर रहे, कम खेती करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, अच्छी प्रजाति की बुआई करें। जैसे कि गन्ना इस समय लेटेस्ट में जो चल रहे हैं, जैसे 15023 है, 13-0235 है, 14-0201 है, 15-0466 है, ऐसे कई वैरायटियां हैं जो नई वैरायटियां हैं, 51-25 है, तो ये सब वैरायटी अच्छी वैरायटी आ गई हैं। तो इन वैरायटियों की बुआई करें और समय से बुआई करें। लोग जो समय से बुआई नहीं करते हैं वो अच्छी उपज नहीं पैदा कर पाते हैं। तो मेरा यही किसान भाइयों से कहना है कि समय समय पे अच्छी प्रजाति की बुआई करें, जिससे अच्छी फसल तैयार हो और शुगर फैक्ट्री का अच्छा फायदा हो। फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में है, इसलिए किसान हमारा तरक्की करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अच्छी प्रजाति लगाई जाए, मेरा ये कहना है। आज की इस गोष्ठी का आयोजन इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा किया गया, जो कि 1955 से किसानों की सेवा में अग्रसर है। वो सभी प्रकार के उर्वरक उत्पादों के साथ में किसान भाइयों के लिए उर्वरक लेकर हम लोग आए थे। इस बीच में उर्वरक को देखते हुए, किसानों की आवश्यकता को देखते हुए, हम लोगों ने पशु आहार का कार्यक्रम भी शुरू किया। संतुलित पशु आहार हमारी कंपनी लेकर आई, जो कि जिस प्रकार से हमारे शरीर को और हमारे पौधों को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पशुओं को भी संतुलित पशु आहार की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीमार कम पड़े और उनके दूध में वृद्धि हो। समय से ब्याँत होने के कारण अच्छा लाभ किसान भाई प्राप्त कर सकें। तो इसलिए ISI मार्क हमारा संतुलित पशु आहार नवशक्ति के नाम से आता है, और सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि नवशक्ति संतुलित पशु आहार इंडियन पोटाश लिमिटेड का प्रयोग करें और अपने पशुओं की स्वास्थ्य और दूध का उत्पादन बढ़ाएं और अपनी आय बढ़ाएं, और जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और उनके साथ साथ पूरा जो हमारा देश है, हमारा समाज है, वो आगे बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल